मेवात जिले के रनियाला गांव के ग्रामीण इन दिनों खासे परेशान हैं। एक ओर तो भाजपा सरकार सबका विकास समान विकास की बात करती है, वही अगर राशन वितरण प्रणाली के बारे में देखा जाए तो ऑनलाइन आजकल जो राशन वितरण प्रणाली कर रखी है सरकार ने, लेकिन आज भी बड़े स्तर पर राशन वितरण में बड़ा घोटाला हो रहा है। और यहाँ पर आज हमारे साथ दर्जनों ग्रामीण खड़े हैं इसी बात को लेकर कि गरीबों को आखिर डिपो होल्डर जो शेखपुर गांव का है वो रनियाला में राशन बांटता है, शेखपुर गांव का डिपो होल्डर सरपंच हुए, डिपो होल्डर की मिली भगत के कारण गरीब ग्रामीणों को राशन से वंचित रखा जा रहा है। और पता नहीं तरह तरह के शिकायतबाजी भी वापिस इनके खिलाफ जब शिकायतबाजी भी दी जाती है। तो हमारे साथ हैं आज नरियाला गाँव के कुछ खास ग्रामीण जो इस समस्या से पीड़ित हैं, हम करते हैं कुछ खास बातचीत। जी क्या नाम आपका? रहमत जी मेरा नाम है। तो रहमत, ये जो आपको राशन की समस्या है यहाँ आज आप इकट्ठा हुआ हो, कब से राशन नहीं मिला आपको? जुलाई से नहीं मिल पा रहा है। जुलाई से नहीं मिल पा रहा है। और हम गांव से एक पर जाते हैं, तीन तीन चक्कर हमारा लग जाते हैं, फोन करते हैं आ रहा हूँ, 2 बजे का, हम रात के 8 बजे भी आए हैं वहाँ से और राशन दे के आए हैं। इतना टाइम लगाता है, पंचायतों में बैठ जाता है, कहीं उसे बैठ जाता है, जबकि डीपी होटल खुला होना चाहिए। जब जाता है तो 10 तारीख में से चालू होना चाहिए, लास्ट तक बढ़ना चाहिए, और ये एक ही तारीख को बांटता है 29 या 31 में जाके। हमारा आदमी मान लेना पा सकता। आपके यहाँ पहले डीपो था नरियाला गाँव में, लेकिन वहाँ क्यों अटैच किया गया? उसका लाइसेंस रद्द हो गया। मिली भगत से किस से हुआ वहाँ अटैच कर दिया? इतनी दूर 8 किलोमीटर सरपंच से हुआ है, सरपंच साहब से हुआ है। तो आपको अब क्या लगता है? हम ये कहते हैं कि वहाँ का हमारा कोटा नहीं रहना चाहिए, गांव में आना चाहिए। तो इसमें सरपंच और डिपो होल्डर हाँ दोनों मिले हुए हैं। इसकी शिकायत आपने दी है कहीं? हाँ दिया है। तो अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं? हम ये कहते हैं हमारा राशन यही गांव में आना चाहिए और टाइम पे मिलना चाहिए, 10 तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक। डिपो होल्डर खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी? उसके ऊपर होनी चाहिए। वह हमारा राशन खा रहा है इतना दिन से, कितना माल बाकी हमारा बच रहा है, 6 महीना का बच रहा है, 200 क्विंटल गेहूँ बच रहा है और बाजरा 200 क्विंटल है, सारा तेल भी बच रहा है हमारा। ग्रामीण लगातार डिपो होल्डर पर आरोप मढ़े जा रहे हैं, यहां तक कि 6 महीने का राशन गरीब ग्रामीणों को नहीं दिया गया और इन्होंने अपना दुखड़ा उपमंडल अधिकारी फिरोजपुर झिरका के मार्फत, वे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सीएम विंडो के मार्फत शिकायत पत्र भेजा है, लेकिन आज तक ग्रामीणों की कोई सुनवाई नहीं की गई। ग्रामीणों की मांग है कि उनका राशन किसी अन्य डिपो होल्डर से बल्कि गाँव में बंटवाया जाए और इस डिपो होल्डर को जो गरीबों के राशन में घोटाले कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, इसका लाइसेंस सरकार को तुरंत निरस्त करना चाहिए। अन्य ग्रामीण भी आगे हमारे साथ इसी मामले पर जुड़े हुए हैं और आइए जानते हैं इनसे कुछ खास पेश कर। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम इसराइल है। तो इसराइल गांव कौन सा है? रनियाला। तो आपका राशन है जो कब से नहीं मिल रहा होगा? ये हमारा राशन 5-6 महीना होगा जी, और हमारी लेडीज जमा ये गूठो लगवा लेवा और एक आध धोन बाजरा दे के ताड़ देवा और 31 तारीख को या 30 तारीख को कोटा बांटे हैं और इनकी सरपंच समेत मिली भगत है। सरपंच की जो बहरबानी है वो मतलब सरपंच है, वहाँ का मर्द के नाम कोटा को लाइसेंस बनो हुए है और या ने मतलब लाइसेंस वासु जो अटेस्ट कर दियो चित वहाँ का शेखपुर वाला सु और हूँ ऐसे करिए अब का कोटा में तो यानी ऐसे करिए भुतेरान का गूठा लगवा लिया, पर्ची काट दी, नाज ना दे लुकना है भग जाओ। और यानी प्रत्येक दिन सुइया गद्दारी कर रो है, काय बाजरो दे दियो ना चून वाह देवे, तेल देवे ना चीनी दे, बीपीएल वाला सब भग जाते। हम तो यहाँ चाहवा हमारा कोटो गाँव में बटनो चाहिए, हमारा कोटो गाँव में बटनो चाहिए और हमारा पूरा पूरा राशन मिलना चाहिए। तो आपने इसके खिलाफ कहीं को कोई शिकायत दी है? हाँ जी अब दी है, हमने शिकायत एक सीएम बिंदु में दी है और एसडीएम साहब के दी है। तो अभी तक क्या कार्रवाई इसका अमल में लगा? अभी कुछ ना हुई हो जी, अभी तो ऐसे कैसे ही है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम यह चाहवा कि आपको लाइसेंस रद्द हो और काई को लाइसेंस दियो जा रहा, हमारा गाँव में ही कोटो बटे। बहुत सी भी मेहरबानी ऐसी है जो मांगती डोला वह 8 किलोमीटर कोटा लू कैसे चली जाए, जहाँ पे चलो ना जाए, वहाँ का बाड़ा कर लू कौन ला के देगा? ये काम करा, एक दिन कोटा बांटे बस एक दिन, अगर कोई पहुंच गो तो ठीक है 10 अंडू दे दियो, वो भी पार्टी बाजी सु। यू हाल है जी गांव में।
सुना आपने, रनियाला गांव के ग्रामीण राशन वितरण को लेकर काफ़ी आरोप डिपो होल्डर हुए सरपंच पर मन रहे हैं और यहां तक कि लगातार 6 महीने से राशन वितरण सही प्रकार से गांव में नहीं हो रहा है। और अगर भाजपा सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, आखिर ऐसे डिपो होल्डर भाजपा सरकार की छवि को भी धूमिल करने से नहीं बच रहे हैं। आखिर महिलाएं भी हमारे साथ हैं इसी मामले पर, और काफ़ी महिलाएं आप देख रहे हैं कि करीब दर्जनों महिलाएं इसी मामले पर हैं और राशन सही प्रकार से वितरण रनियाला गांव में नहीं होता। तो इसी को लेकर गांव की जो एक अपनी मेंबर हैं, ग्राम पंचायत रनियाला की मेंबर हमारे साथ हैं, तो ये हमें बताएंगे आखिर क्या है, क्यों सरपंच और डिपो होल्डर की ये मिली भगत सामने आ रही है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम नीलम है, ग्राम पंचायत की मेंबर हूँ। मेरा कहना ये है कि गांव के किसी भी सदस्य को दुख नहीं होना चाहिए। पंचायत का हक ये होता है कि गांव में देखभाल अच्छी तरह से हो, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है पार्टीबाजी की वजह से, कुछ लोगों को फ़ोन करके राशन बांट दिया जाता है और कुछ सदस्य ऐसे हैं कि जिनके बस की चला भी नहीं जाता, रोज़ ला रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, उस कारण उन पे टाइम पे नहीं पहुंचा जाता। 30-29 तारीख को राशन बांटता है, उसके बाद मना कर देता, मेरे पास ऑनलाइन राशन नहीं है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि गांव के किसी भी सदस्य पे कोटा आ जाए, उसका राशन लाइसेंस रद्द करके। पहला हमारा डीपो होल्डर था वो ठीक था, अच्छी तरह से, किसी कारण उसका सरपंच ने लाइसेंस रद्द करवाने के बाद कुछ नहीं रहा उस पर। वो चाहता भी है कि मेरे पास आ जाए, उससे हम बिल्कुल सहमत है, पुराने डीपी होल्डर से बिल्कुल सहमत है, अच्छी तरह से। करीब कितने दिनों से राशन नहीं मिल रहा? 6 महीने हो गए उसे, 6 महीने से राशन बिल्कुल नहीं मिल रहा। उसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं पे दी होगी? दी है, 2-3 जगह दी है हमने, उनसे कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी। अब आप लोग क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि गाँव के किसी भी सदस्य पे राशन आए और अच्छी तरह से, जो हमारे बुजुर्ग आदमी हैं, जो महिला हैं, जो घर की सदस्य हैं, उनके लिए राशन टाइम पे मिले। सुना आपने, डिपो होल्डरों की करतूत इस कदर हैं कि महिलाएं काफ़ी गुस्से हुई हैं और जो है राशन इनको सही टाइम पे नहीं मिल रहा है, गरीब महिलाएं आखिर कहां जाएंगी। तो इसी मामले पर और अन्य महिलाएं भी हमारे साथ इसी मामले पर लगातार जुड़ी हुई हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त नारा आखिर किस प्रकार सफल साबित होगा, अब देखते हैं जिला प्रशासन व स्थानीय प्रशासन इस डिपो होल्डर पर क्या कार्रवाई करता है। जबकि ग्रामीणों का तो ये कहना सरपंच व डिपो होल्डर की मिली भगत से यहाँ पर जो सैकड़ों ग्रामीणों का राशन हड़पा जा रहा है और विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत सीएम विंडो के मार्फत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व उपमंडल अधिकारी फिरोजपुर झिरका को भी भेज चुके हैं। आखिर अब देखते हैं इस दोषी डिपो होल्डर के खिलाफ कब तक कोई कार्रवाई सरकार अमल में लाएगी।